हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मनु किचन। पत्ता गोभी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी को हम कट करेंगे। ये 400 ग्राम मैंने पत्ता गोभी ली थी, तो हम आधे पत्ता गोभी का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले बीच से कट करेंगे पत्ता गोभी को हम। पत्ता गोभी को लंबे लंबे स्लाइसेस में इस तरीके से आपको कट करना है, जिससे कि पत्ता गोभी के एकदम पतले पतले लंबे लंबे लच्छे बन करके तैयार हों। पतला पतला ही कट करेंगे पत्ता गोभी का। ऐसे ही पूरी पत्ता गोभी कट कर लेंगे। पहले हम पत्ता गोभी को हमने कट कर लिया है, और ये देखिए इस तरीके के एकदम पतले पतले लच्छे ही आपको इसका कट करने हैं। तो इसे बाउल में डाल लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे भी डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो डालें, वरना आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब सबसे पहले प्याज के भी हम लच्छे एकदम अलग अलग कर लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए इसे मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। कॉर्नफ्लोर आपको इतना ही डालना है जितने में पकौड़ों की बाइंडिंग हो जाए। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए 4 चम्मच इसे मैं रवा ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही कुरकुरे पकौड़े बन करके तैयार होंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके लिया, तो उसे भी डाल देंगे। खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे पत्ता गोभी के साथ में। सभी मसालों को हमने मिक्स कर दिया है, तो 5 मिनट के लिए इसे हम कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि नमक जो अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे मिक्स करेंगे। पकौड़े के साथ खाने के लिए हम एकदम तीखी चटपटी सी चटनी बनाने वाले हैं। तो 1 कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है। धनिया के डंठल भी हमें डालने हैं। 1 बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसे भी डाल देंगे। 3 हिस्से में हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। 3 लहसुन की कली ली थी, उसे भी डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसी चटनी में। अब इन सभी चीज़ों को हम पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी एकदम तैयार है, तो इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, और ये देखिए पत्ता गोभी में हमने नमक डाला था, तो नमक के कारण इसमें नमी आ चुकी है। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी का यूज़ करें। अगर आपके पत्ता गोभी ने ज़्यादा पानी छोड़ा है, तो आपको बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, तो इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और चेक करेंगे कि इसमें बाइंडिंग हो रही है या नहीं। ये देखिए जब हम इसे बाइंड कर रहे हैं, तो ये बाइंड हो रहा है। बस आपको इतना ही इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना है। तो इसके अब हम पकोड़े बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तब एक एक करके इसमें हम पकोड़े डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है आपको, और हल्का हल्का सा इस तरीके से दबा देना है, और डायरेक्ट ऑयल में डालते जाना है, तभी इसके पकौड़े एकदम लच्छेदार बन करके तैयार होंगे। पकौड़ों को हम एक साइड से हल्का क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद ही पलटाएँगे। एक बार पकौड़ों को पलटा देंगे, और अब दूसरे साइड से भी पकौड़ों को हम एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। पकौड़ों को निकाल करके रख लेंगे, और बाकी बचे हुए पकौड़ों को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी के बहुत ही टेस्टी चटपटे कुरकुरे से पकोड़े हमारे तैयार है। और ये देखिए कितने बढ़िया एकदम लच्छेदार पकोड़े बन करके तैयार हुए, और साथ में हमने बनाई है टमाटर की एकदम तीखी चटपटी सी चटनी। आई होप आपको पत्ता गोभी के पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।